yourself. फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने का आइडिया लाई हूँ। ग्रीटिंग कार्ड जो है ये हमने टीचर्स डे के लिए बनाया था। इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा, ये मैं ब्लैक कार्ड पेपर यूज़ करूँगी। एक मेरे पास प्रिंट डिज़ाइनर पेपर है और एक मेरे पास स्टिकेबल पेपर है। इसके अलावा मेरे पास रिबन है और कुछ हाफ बीड्स हैं जो कि मैं इस पर लगाऊंगी। और ये जो मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स में से बचा हुआ है। तो इसमें एक साइड शेप आ रही थी, मैंने उसको यूं का यूं ही कट कर लिया। अब इसी शेप को मैं इस कार्ड पर अरेंज करने वाली हूँ, आप देखिएगा। मैंने उसको थोड़ा सा और शेप दे दी है। ये जैसे नीचे से ऊपर की जानब जाता हुआ ग्राफ है, ये कुछ इस तरह की शेप बन गई है। अब मेरे पास जो स्टिकेबल पेपर है मैं उसको इस पर रखूँगी, उसका साइज मैंने कर लिया है। इसको मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिया। अब मैंने जो डिज़ाइनर पेपर कट किया था वो भी मैं इसके ऊपर स्टिक करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यू यूज़ की है। तो इस तरह ये हमारी एक बेस तैयार हो गई है कार्ड की। अब मेरे पास जो रिबन है उसको मैं इस पर अरेंज करूँगी। ये ऑफ वाइट कलर का रिबन है जो मार्केट में आम मिल जाता है। इसको मैंने एक टुकड़ा लिया है और उसको मैंने सिंपल गांठ जो है ना वो मैं इस पर लगा रही हूँ। इस गांठ को हम लगाकर मैंने इसके ऊपर स्टिक करूँगी। रिबन को मैंने इस तरह गांठ लगाई है कि इसका एक सिरा ज़रा बड़ा है और दूसरा थोड़ा छोटा है। तो मैं इन दोनों सिरों को कार्ड के लंबाई चौड़ाई के रुख पे लगा दूंगी अंदर की जानब। मैं इसको कार्ड के अंदर की जानब फोल्ड करूंगी और UHU यूज करते हुए इसको मैं वहां पर लगा दूंगी। इसके बाद मैंने कागज़ का एक दायरा काटा, ये तकरीबन 2x2 इंच होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसको मैंने काट लिया और अब मैं इसको इसके ऊपर मैं एक मैसेज लिखने वाली हूँ टीचर्स डे के लिए। इसको मैंने पेंसिल से लिखने के बाद ग्लिटर पेंसिल से मैंने उसको दोबारा ओवरराइट कर लिया। इस दायरे को लगाने से पहले हम कार्ड का इनर साइड बनाएंगे। इसके लिए मेरे पास जो डिज़ाइनर पेपर था वो मैं इसको मेजर करके काट लिया मैंने जो हमारे पास कार्ड है उसके साइज़ का। अब मैं इसको काट के तो मैं इसको सीधा नहीं लगाऊंगी, मैं इसको उल्टा करके लगाऊंगी क्योंकि हमारे पास जो कार्ड का आउटर साइड है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एम्बेलिश है। तो हम अगर इसका इनर साइड जो है उसमें हल्का सा डिज़ाइन का हिंट देंगे क्योंकि ये पेपर जो है ये ज़रा पतला है, इसमें से शेड्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लगा दिया तो ये ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। मैंने इसको ग्लू लगा के इस तरह से चिपका रही हूँ।
अब दूसरी जान से इसको मैंने बंद करके प्रेस करूँगी तो ये अच्छी तरह से जम जाएगा। इस तरह हमने कार्ड का इनर साइड भी तैयार कर ली। आप अपने कार्ड के इनर साइड पे कोई कस्टम मैसेज अगर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये कार्ड आप किसी भी इवेंट के लिए या किसी भी डे के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये टीचर डे के लिए बनाया तो मैं इसमें आई लव यू माई टीचर क्या मैसेज लिख रही हूँ। इनर साइड मुकम्मल करने के बाद हम आउटर साइड की तरफ दोबारा वापस आएंगे और जो मैंने दायरा तैयार किया हुआ था जिसमें मैंने कार्ड का नेम लिखा हुआ है मैं उसको रिबन के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ बीड्स यूज़ करूँगी। ये पर्ल है मेरे पास, हाफ पर्ल है, इनको मैं UHU के मदद से लगाऊंगी। तो अब हमारा कार्ड तकरीबन तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।